शख्सियत के साथ जो इस दुनिया को अपने कैमरे के नजरिए से देखते हैं, इस दुनिया को और भी ज्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। इनकी इन्वेंशन और डिस्कवरीज को जहाँ भारत में बहुत अवार्ड्स मिले हैं, वहीं यूके की द रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी की तरफ से कवर स्टोरी पर फीचर भी किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत शहर सोलन में रहने वाले मिस्टर दुर्लभ सिंह पुरी जी के बारे में। इनके नाम की तरह इनकी इन्वेंशंस और डिस्कवरी भी दुर्लभ हैं। जैसे कि हमने अभी अभी बताया कि यूके में आपको कवर स्टोरी पर फीचर किया गया है, वो मैगजीन मेरे हाथों में है, द गार्डन। सो सबसे पहले हमें उस इन्वेंशन के बारे में बताइए सर, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा मौका मिला। देखिए, आप कोई भी काम करेंगे तो उसके दो पहलू होते हैं, या एक आप नॉर्मल वर्क करते हैं या कोई एक्सक्लूसिव वर्क आप करेंगे। और हर इंसान में ये तमन्ना होती है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसके लिए आप जाने जाएं। ये जो कुछ भी हुआ, मैंने कोई एक प्लान्ड रिसर्च वर्क नहीं था, ये एक एक्सीडेंटल सी चीज थी, ऑब्जर्वेशन का पीस है। और जैसे मैंने इन चीजों को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया था और उसको मैंने एक दो साइंटिस्ट के साथ डिस्कस किया कि क्या ये चीज कुछ अलग है, तो उन्होंने हमें कहा कि ये एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस की चीज है और आप इसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करें। उसके बाद मैंने इसकी काफी रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो हो सकती हैं, फोटोग्राफिक हो गई, स्टेज वाइज हो गई, ये हमने करने की कोशिश की। ये करने के बाद जब ये चीजें होगी तो हमें ये सजेस्ट किया गया कि आप इसको किसी ऐसी एजेंसी के साथ शेयर करें जो इसकी प्रॉपर समझ रखता हो। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, तो रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूके से बड़ी कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जो इस चीज को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। हमने इसको पहले इंडियन प्रेस में शेयर किया इस चीज को सर्टेन करने के लिए कि ये टेक्निक इंडिया से रिपोर्ट हो रही है। उसके बाद हमने रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, जिसका मैं लाइफ मेंबर भी हूँ, और हमने उनके साथ इस टेक्निक को शेयर किया और उनसे पूछा कि क्या आप इंटरेस्टेड होंगे इस चीज को कैरी करने के लिए। उन्होंने हमसे ये क्वेरी पूछी कि हम चाहेंगे कि इस चीज को यूके में करके देखा जाए, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं था जो इस तरह की मिलती जुलती या आसपास की कोई टेक्निक के बारे में कोई बात करता हो। जिस वक्त उन्होंने ये हमसे कहा कि भी आप दिखाएं, इसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करके जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वो चीजें हमने उनको भेजी विद फोटोग्राफ एंड राइट अप्स। उन्होंने उसके बेसिस के ऊपर इसकी ट्रायल एक एजेंसी को दी कि आप इसको करके देखें। उस एजेंसी को तकरीबन 1.5 से 2 साल लगे इसको रेप्लीकेट करने के लिए। फिर उसके बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, कुछ प्लांट जो मैंने जिस प्लांट के ऊपर काम किया था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसको आप नॉर्मल जगह में अवेलेबल नहीं होगा, उसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। फिर उस प्लांट को हैंडल किया गया, उस टेक्निक को हैंडल किया गया, फिर यूके की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग, उसके 2 साइंटिस्ट को एंगेज किया गया, रॉयल बोटेनिकल गार्डन को एंगेज किया गया, रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी को तो इसमें इन्वॉल्व थी। उन्होंने इस सारी ट्रायल्स को अपने तरीके से करने की कोशिश की, जिसमें लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त उन्होंने लिया। और उसमें भी उनके पास जो ईंट पे जो प्लांट उगाने की जो हम बात कर रहे थे, इसमें हमारे पास जो ईंट है उसमें हमने एक मॉस की लेयर उगाई, उसके ऊपर प्लांट को हमने ट्रांसफर किया। वेयरएज जो फीचर आप मैगजीन में देख रहे हैं उसमें ब्रिक पर प्लांट ग्रोन डिफाइंड है रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में, जो वो कर पाए और इस चीज को उन्होंने प्रॉपरली ये माना है कि इंडिया में जो स्पेसिमेंस ग्रोथ हमारे पास है वो ब्रिक पर पहले मॉस की लेयर है, उसके बाद उसके ऊपर प्लांट ग्रो हो रहा है। वेयर एज ब्रिटेन के अंदर जो ट्रायल्स उन्होंने रेप्लीकेट की, उसके अंदर ब्रिक है, प्लांट है, लेकिन मॉस का लेयर एबसेंट है, विच मीन्स के आपके पास तकरीबन 60% के करीब उन्होंने इस टेक्निक को रेप्लीकेट कर दिया, लेकिन जो चीज मॉस कल्टीवेशन के लिए हमने इस्तेमाल की थी वो वहां की खास परिस्थितियों के ऊपर शायद परेशानी में रहे होंगे और वो वहां पे रेप्लीकेट नहीं हो पाई। तो इंटरनेट पे अपलोड किया गया कि ये चीज इंडिया से रिपोर्ट हुई, रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने इसको रेप्लीकेट किया और उसके बाद इस टेक्निक को उन्होंने कवर फीचर में डाल के बिना हमसे बताए कि हम इसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब मैगजीन मेरे पास पहुंची, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो वक्त, वो मोमेंट मेरे लिए क्या था,
कि जिस वक्त मैं अपना किया हुआ काम किसी दुनिया की टॉप रैंकिंग मैगजीन के फ्रंट में उसको मैं देख रहा हूँ। Oh my God, मतलब मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं सोच के हैरान हूँ कि ईंट पर पौधा कैसे। सर प्लीज मुझे अपना बिग गार्डन दिखा सकते हैं? आई एम सो एक्साइटेड। चलते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। श्योर सर। यहाँ पे आके तो मुझे फॉरेस्ट वाली फीलिंग आ रही है सर। कैसे मेंटेन किया आपने इतना खूबसूरत? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रिक गार्डन जिसका हमने नाम दिया है, इसमें खास चीज यही है कि जो फॉरेस्ट में एनवायरनमेंट होता है उसको यहाँ पर आकर हमने मैनिपुलेट किया है, क्योंकि जो प्लांट फॉरेस्ट के हैं वो आपके घर में कभी भी कम्फर्टेबल नहीं होते। हम जनरली किसी प्लांट को लगता है कि भाई ये ज़्यादा अच्छा है, उसको उखाड़ के ले आते हैं, वो कभी भी हमारे घर में चलते नहीं है। फॉरेस्ट प्लांट्स का ड्राइंग रूम है, हमारा ड्राइंग रूम प्लांट्स का ड्राइंग रूम नहीं होता। यहाँ जो भी आप जो आप फील महसूस कर रहे हैं कि ये एक फॉरेस्ट का लाइक सिचुएशन है, वो प्रॉपरली हमने डिज़ाइन किया है कि कितनी लाइट हमें मिले, कब मिले, दिन के कौन से वक्त हमारे को कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे को मिले, और कितना पानी हमें डालना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इनके लिए कई सालों की ऑब्जर्वेशन पीछे इसके है, और उनको इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उनको बार बार टेस्ट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट सीजन्स में हम लोगों ने इसे टेस्ट किया। अब स्टैंडर्डाइज होने के बाद ये सभी प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये सभी नीचे जो जितने भी फ्लोर पे पोजिशनिंग है प्लांट्स की, वो सभी ब्रिक्स पर है। और इन सभी चीज़ों को, प्लांट की लैंग्वेज को हमने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। नेचर सब कुछ बताती है आपको, और एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जो हम इसमें ऑब्जर्वेशन लेते रहे हैं उसको हम अप्लाई करते रहे। हमारे गार्डन के अंदर इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया कि जो मल्टीपल वेरिएशन हैं वो ठीक वैसी हों जो के फॉरेस्ट में हो रही हूँ। अभी आपने ब्रिक गार्डन के बारे में देखा और उसकी कवरेज देखी, बाकी सब चीज़ें देखी, अब आप जानना चाहेंगे कि इसको उगाया कैसे जाता है और इसकी स्टेजेस क्या है। सबसे पहले तो एक ईंट ली जाती है, उसको पानी में डुबोते हैं ताकि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो कम से कम हो जाए। फिर मेसनरी ड्रिलिंग बिट के साथ इसके अंदर सुराख किए जाते हैं, और सुराख करने के बाद ये मेरे हाथ में मॉस के पीसेस हैं, इनको हम फोर्सेप्स के साथ इस तरह से इसमें प्लांटेशन करते हैं। ये हमने फोर्सेप्स के साथ इसकी प्लांटेशन करी। ये टुकड़े हैं, ये खास तरह की मॉस है जो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है, इसको इस तरीके से प्लांट किया गया। ये आपको स्टेज दिखा दी है हमने। अब आप देखें कि दूसरे नंबर के ऊपर जब ये सभी में प्लांटेशन हो जाती है, इसमें एक एल्यूमिनियम का क्लिप और उसके सुराख पहले से डाल दिए जाते हैं, ताकि अगर प्लांट को हमें इसके ऊपर लगाना है तो वो प्लांट के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड सरफेस हो, अदरवाइज हमारी ब्रिक खराब हो जाएगी। अब आप देखिए कि हमारे पास, मान लीजिए हमने इस प्लांट को, हम चाहते हैं कि हम इसको ईंट पे उगाना चाहेंगे हम, तो हमारे पास ये प्री ग्रोन स्टेज के अंदर हम इस प्लांट को क्लैंप कर देंगे। जब ये अपनी रूट्स को इस पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, तब तक इसके ऊपर एक प्रॉपर सरफेस वो डेवलप हो चुकी होगी। ये स्टेज जो आप देख रहे हैं मेरे इस हाथ के अंदर, इसमें प्लांट उग चुका है, इसमें प्लांट हमने अभी लगाया है। ये स्पेसिमेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं, ये केवल एक ईंट है और इसी के ऊपर आपको ये पूरा प्लांट उगा हुआ दिखेगा। इस प्लांट को हमने एक क्लिप के साथ टर्न किया है, इसके ऊपर एक मॉस की लेयर ग्रो की हुई है, नीचे ईंट है और ऊपर ये प्लांट लगभग 1.5 फीट ऊंचा जो है आप देख रहे हैं, ये रखा नहीं गया है, इस पे ग्रो हुआ है, आप इसकी रूट देख सकते हैं, ये देखो नीचे। Oh my God, this is unbelievable. Largest specimen age 10 years. इसका मतलब है कि जो ये पौधा मैं देख रही हूँ वो 10 साल का है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये 10 साल पुराना पौधा है। अब हमने इसमें क्योंकि सॉयल लेस लगाया है और इसको इतनी एग्जैक्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस दी हैं
कि ये एक दो साल नहीं बल्कि 10 साल तक लगातार ये हमारे पास ये ग्रो कर रहा है और अभी इसकी एज तकरीबन 5 साल तक और होगी। ये फोटोग्राफ जो फिल्म में आया करती थी, हमने इसमें सैंड डाली हुई है और इसके अंदर हमने प्लांट की कटिंग्स लगा रखी हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये प्लांट प्रोपेगेशन का एक मेथड हमने इस्तेमाल किया है। सर, ये मुझे कुछ हेलमेट जैसा क्यों लग रहा है? ये बेटा हेलमेट ही है, इसमें भी प्लांट हमने उगा रखे। ओह माय गॉड सर, गमले तो हटा दिए, ईंट पर भी आ गए और अपने हेलमेट्स भी यूज कर लिए। इस खास इसके बीच में ये है कि ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मी का पौधा है और इसको ब्रेन टॉनिक समझा जाता है। तो हमारा तो आइडिया ये था कि भी हेलमेट में लगाया, सिर पे हेलमेट होती है तो ब्रेन वाला प्लांट जो है वो हेलमेट में ही होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, यही है वो इन्वेंशन जिसकी वजह से आपको राष्ट्रपति जी से स्टेट अवार्ड्स मिला है। जी बिल्कुल सही, ये वर्किंग प्रोटोटाइप है और इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, इसके मेथड के बेसिस के ऊपर मुझे राष्ट्रपति जी से स्टेट अवार्ड मिला है और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको पेटेंट किया गया है और वो पेटेंट मेरे इंडिविजुअल नाम पर है। इसमें खास चीज़ ये है कि आप एनर्जी की, आजकल हम काफ़ी शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर हमारे पास काफ़ी बातचीत होती है। दूसरी बात है कि पानी गर्म करने का आपके पास क्या सोर्स है, आप मैक्सिमम एनर्जी कहाँ खाते हैं, वो आपके गीजर्स हैं। आप ऑन करेंगे, उसके बीच में एक बार गीजर आपने ऑन किया तो 2 किलोवाट वो मिनिमम खाएगा, जो ज़्यादा बड़े हैं वो 3 किलोवाट के करीब आएंगे। सिर्फ जो चीज़ें हमारे पास वेस्टेज फेंकी गई हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे इस डिवाइस का नेम आपने रमनदीप इको हमाम रखा, इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन? जी, रमनदीप मेरे बेटे का नाम है जो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको थोड़ा ऑनर करने के लिए हमने इसका नाम जो है वो रमनदीप रखा है। और सेकंड इज इको बिकॉज इट इज इको फ्रेंडली। हमाम एक कन्वेंशनल नाम है जो कि पानी गर्म करने के लिए वो डिवाइसेस में यूज करते हैं। हम ऑनर कर रहे हैं उन इनोवेटर्स को, उन इन्वेंटर्स को जिन्होंने इसको इनिशियली किया। तो अब बात करते हैं हम पुरी जी की बेटर हाफ मिसेस हरविंदर पुरी से और जानते हैं कि क्या उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह वो घर में भी इन्वेंटर के तौर पे ही हैं या फिर कुछ और रोल है उनका। घर में तो ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत मेहनती है। हमेशा मैं तो यही देखती आई हूँ कि सुबह उठते ही उनको अपने प्लांट्स की चिंता होती है, अपने काम में लगे रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं और सब फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। बाद मैं तो यही सोचती हूँ कि इनका जो ब्रिक गार्डन, ब्रिक का एक्सपेरिमेंट है, वो दिल्ली में मुगल गार्डन में ज़रूर लगना चाहिए, ताकि ये अनयूजुअल वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स है और जब वहाँ रेप्लिकेट हुआ है तो वाई नॉट इन इंडिया। बिल्कुल, कि जैसे आपने बताया, हमने जाना कि इस रिसर्च को इंग्लैंड में भी रेप्लिकेट किया गया है, तो क्यों ना इस रिसर्च को इंडिया की शान मुगल गार्डन में भी जगह दी जाए, यही इस रिसर्च का असली सम्मान होगा। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।